दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग Redmi Note 9 डिवाइस को यूज करते हैं, जी हाँ दोस्तों अगर आप लोगों के पास Redmi Note 9 डिवाइस है तो यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि Redmi Note 9 डिवाइस के लिए एक नया अपडेट चाइना में रोल आउट किया गया है MIUI 12.5 का। सो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी अपडेट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बताऊँगा जो अपडेट है इंडिया में ग्लोबल में एंड्रॉइड 11 का अपडेट इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे। साथ में अगर आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है MIUI वर्जन 12.5.2.0। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2.5 GB जो इसका साइज देखने को मिल जाता है। इसमें आप लोगों को एंड्रॉयड 11 भी देखने को मिलता है जो कि आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस अगर हम बात करते हैं जो अपडेट है ग्लोबल में इंडिया में कब तक देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक न्यूज़ दिखा देता हूं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि जो Xiaomi के मॉडरेटर हैं आप लोगों को दिखा देता हूं वो जो न्यूज़ है। आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने बताया था कि 20 से 30 जुलाई के अंदर MIUI 12.5 या फिर Android 11 का ऑफिशियल अपडेट Redmi Note 9 डिवाइस के लिए इंडिया में रोल आउट किया जा सकता है। तो मुझे लगता है जो अपडेट है आप लोगों को अभी देखने को नहीं मिलेगा Redmi Note 9 डिवाइस के लिए। पहले Android 11 अपडेट देखने को मिलेगा, उसके बाद में MIUI 12.5 का जो ऑफिशियल अपडेट है वो आपके Redmi Note 9 डिवाइस के लिए देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो अपडेट है चाइना में रोल आउट किया गया, तो आप लोग समझ सकते हैं जो अपडेट है अभी टेस्टिंग के लिए रोल आउट किया गया। स्टेबल वर्जन में देखने को मिलता है लेकिन फिर भी जो इसकी टेस्टिंग है वो होगी, उसके बाद में जो अपडेट है रोल आउट किया जाएगा। तो आप लोगों को इस मंथ के एंड तक एंड्रॉइड 11 अपडेट इंडिया में देखने को मिलेगा। उसके बाद में मुझे लगता है कि MIUI 12.5 का ऑफिशियल अपडेट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं 100% श्योर नहीं हूं कि आप लोगों को इस मंथ में एंड्रॉइड 11 अपडेट देखने को मिलेगा, MIUI 12.5 अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। दोनों एक साथ भी रोल आउट किया जा सकता है और MIUI 12.5 अपडेट को ना रोल आउट करके एंड्रॉइड 11 अपडेट भी रोल आउट किया जा सकता है। सो गाइस आप लोगों को आपके Redmi Note 9 डिवाइस में सबसे पहले MIUI 12.5 या फिर एंड्रॉइड 11 अपडेट जैसे ही रोल आउट होता है सबसे पहले उसका OTA लिंक पाना है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल स्विमजी पर आ जाए जहां पर आप लोगों को सबसे पहले OTA लिंक रिकवरी रूम फाइल के लिंक साथ में न्यूज प्रोवाइड करा देता हूं। सो गाइस फाइनली आज की इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग Redmi Note 9 डिवाइस को यूज करते हैं और उसमें MIUI 12.5 और एंड्रॉइड 11 अपडेट का वेट करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।